शहर में अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अखिलेश लाहोरी निर्वाचित हुए। इन्होंने 70 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी वीरेंद्र सिंह राजपूत से जीत हासिल की। वहीं सुहास ताम्रकार को 31 वोट मिले, जो तीसरे स्थान पर रहे। वहीं संघ के सचिव नेत्राम रघुवंशी को चुना गया। जीत के बाद शहर की सड़कों पर विजय जुलूस निकाला गया। शहर में अभिभाषक संघ के चुनाव परिणाम देर रात तक आए। चुनाव संपन्न कराने के लिए सुबह से ही मतदान प्रक्रिया चालू की गई और उसके बाद मतगणना हुई, जिसमें लगातार बढ़त मनाते हुए अखिलेश लाहोरी 147 वोट मिले और वह अपने प्रतिद्वंदी वीरेंद्र सिंह राजपूत से 70 वोटों से विजय हुए। कार्यकारिणी में सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुना गया। जीत के बाद शहर की सड़कों में विजय जुलूस निकाला गया। परिसर में मिठाइयां भी वितरित की गईं। वहीं जश्न का माहौल देखा गया। वहीं सभी निर्वाचित सदस्यों को प्रमाण पत्र सुबह वितरित किए जाएंगे। लाइव टीवी समाचार के लिए गंज बासौदा जिला विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और आगे भी क्या रणनीति रहेगी आपके कार्यकाल? मेरी रणनीति ये रहेगी कि जिस विश्वास के साथ अभिभाषक संघ गंज बासौदा ने मुझे ये उपहार दिया है, जो उम्मीद से मुझे जिताया है, उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ और जो अभिभाषक के हित में जो भी मेरे से होगा मैं वो सार्थक प्रयास करूँगा। और मेरी कार्यकारिणी, पूरे मेरे अध्यक्ष, मेरे साथी जो भी इसमें सहयोग करेंगे उसके करने के लिए मैं हमेशा सतर्क रहूँगा। योजना जैसा अभी तक है, आप क्या और आगे करेंगे? सबसे अभिभाषकों से रिलेटेड कई परेशानियाँ हैं। प्रथम तो अभिभाषकों के लिए कोई स्टैंडर्ड मॉडल फिक्स नहीं है, जिसके तहत कि अभिभाषकों की किसी चीज़ में फीस तय की जाए। एक उसमें भी एक स्टैंडर्ड मानक तैयार किया जाएगा। जहां तक रही सीनियर अभिभाषक गण के बात, तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था के लिए हमारे द्वारा स्टेट बार काउंसिल और राज्य सरकार से मांग की जाएगी, जिससे कि सीनियर और जूनियर सभी अधिवक्ताओं का हित हो सके। हाँ, उस पर हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। सरकार से ये हम गुजारिश करते हैं कि भाई हमारी इस मांग के लिए शीघ्र से शीघ्र पूरी करें और हम और हमारी कार्यकारिणी अभिभाषक संघ को लेकर इस दिशा में और आगे कार्य करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं सभी सम्माननीय अभिभाषकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे भारी मतों से विजय बनाया है और आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने मुझे जो तोहफा दिया है वह मुझे सदैव जिंदगी भर के लिए यादगार रहेगा। रही बात ये जो चुनाव हुआ, कृत आचरण और व्यवहार के आधार पर हुआ, तो जो कि बासुदा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और जिस विश्वास के साथ सभी अभिभाषक गण ने मुझे चुना है, मैं और मेरी संपूर्ण कार्यकारिणी अभिभाषकों के हित में कार्य करेंगे और बेंच और बार मिलाकर जो जुडिशरी के नए नए आयाम कायम हो रहे हैं उनको स्थापित करने में मदद करेंगे। अभिभाषक खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।